हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के पेरेंटिंग टिप्स में टॉपिक है जो बच्चों को कॉम्पिटिटिव बनाना चाह रहे हैं। हमेशा बच्चों को फर्स्ट आना ज़रूरी है, ये एक बाउंड टू रूल बन गया है पेरेंट्स के लिए। तो आज इस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन लोगों को लगता है कि उनके बच्चे हर चीज़ में अगर फर्स्ट आएंगे तभी काम बनेगा। अगर बच्चे फर्स्ट नहीं आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ा टेंशन वाला बात है, क्योंकि बच्चा फर्स्ट नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर देना चाह रही हूँ कि बच्चे फर्स्ट आने में अगर आप उतना ज़्यादा ध्यान देंगे तो बच्चे क्या सीख रहे हैं उससे आपका ध्यान भटक जाएगा। तो आज का जो ये टॉपिक है, हम पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चों को हम किस तरह से सिखाएं कि बच्चा जो सीख रहा है उसको वो अपने दिमाग में बिठाए, अपने डेली लाइफ में यूटिलाइज करे। फर्स्ट आना उतना ज़रूरी नहीं। तो अगर आप लोगों को मेरे थॉट्स, मेरे ओपिनियंस अगर सही लग रहे हैं, आप एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री भी कर रहे हैं, अपनी ओपिनियंस या कमेंट्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, सो दैट मुझे भी पता चल पाएगा कि मैं कितना दूर सही हूँ। मैं अपने डेली लाइफ में इसको यूटिलाइज करने का पूरा कोशिश कर रही हूँ। मैं अपने को सेल्फ डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार करने का कोशिश कर रही हूँ, ताकि गूगल को मैं एक अच्छा पेरेंट्स को ये करते हुए देखी हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा अगर नर्सरी में है, इवन प्री नर्सरी में भी है, तब भी बच्चों के स्कूल्स में कॉम्पिटिशन होते हैं। छोटा वो नींबू चम्मच वाला कॉम्पिटिशन ही पकड़ लीजिए, बच्चों को चम्मच में नींबू डाल के दौड़ाते हैं या स्पीड स्पीड जाओ दौड़ के फिर वापस आओ ये करो। तो ऐसे छोटे छोटे कॉम्पिटिशन होते हैं जो कि एक एक्टिविटीज है। इसको बच्चे एक्टिविटी के हिसाब से नहीं लेते हैं। पेरेंट्स एकदम बैठे होते हैं साइड में ऑडियंस में और एकदम बोल रहे बेटा तोड़ो, फर्स्ट आओ फर्स्ट आओ, जैसे कि फर्स्ट आना बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसा नहीं है, पेरेंट्स को एनकरेज करना बहुत, पेरेंट्स अगर बच्चे को एनकरेज करें ये बहुत सही है और इवन बच्चा भी इसको बहुत एंजॉय करता है। लेकिन अगर बच्चा फर्स्ट नहीं आया तो फिर बच्चा आपके पास जब आता है तो तब आप कैसे रिएक्ट करते हैं, पॉइंट यहाँ पे है। जैसे कि एग्जाम्स, अगर बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, बच्चा रिजल्ट लेके आ रहा है, रिजल्ट लेके आने के बाद पेरेंट्स पूछते हैं, मम्मा ही पकड़ लीजिए, मम्मा क्या पूछते हैं, बेटा क्या फर्स्ट के अलावा कुछ भी बोला, इवन सेकंड बोला कि थर्ड भी बोला, थोड़ा सा ही मार्क्स से वो पीछे रह गया। तो मम्मा का पहला चीज रहता है, वो लड़का फर्स्ट आया तू क्यों नहीं फर्स्ट आ पाया, तू ठीक से पढ़ाई नहीं करता, तूने वो नहीं किया, तूने ये नहीं किया, ब्ला ब्ला ब्ला, 100 reasons कि तू फर्स्ट नहीं आया। लेकिन इस टाइम पे अगर बच्चा बोल देता है कि मम्मा मैं तो 10th आया या 10th से ज्यादा मेरा रैंक है, सही तरह से मेरा रिजल्ट नहीं आया, पॉसिबल जो भी आया पर बोलता है, तो उस दिन उसकी खैर नहीं क्योंकि बच्चा फर्स्ट नहीं आया। तो इस टाइम पे जितने भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं उन लोगों से मैं एक चीज जरूर बताना चाह रही हूँ, देखिए फर्स्ट आना उतना जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चा अगर किसी को हेल्प किया है या फिर बच्चा अपने स्टडीज में खुद को कम्पीट कर रहा है, तब आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हर बच्चा स्पेशल होता है। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाह रही हूँ, मैंने जितने भी बच्चे आज तक देखे हैं, मेरे लाइफ में मैं जितने भी बच्चों के साथ डील की हूँ, हर बच्चा स्पेशल होता है। मेरे पॉइंट को आप नोट करिए, हर बच्चा, आपका बच्चा भी किसी ना किसी चीज में बहुत अच्छा होगा और कुछ चीज में उन लोगों का कमी रह जाता है, लेकिन उस चीज को जो कमी है उस चीज को फुल करना, उसको कम्प्लीट करना ही तो पेरेंट्स का जॉब है। आखिरकार पेरेंट्स का काम ही है कि बच्चों का जो वीक पॉइंट्स है उनको हम किस तरह से स्ट्रेंथन करें, ना कि उस चीज को हम क्रिटिसाइज करके बच्चे को और ज्यादा डिमोरलाइज करें। तो इसी वजह से हमें ध्यान देने का जरूरत है कि बच्चों को हम कौन कौन से चीजों में एनकरेज कर सकते हैं। अगर वो फेल कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उनको क्रिटिसाइज करें या उनको डांटे या उनको फटकारे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इवन बच्चा आपसे धीरे धीरे दूर होता जाएगा। हमें बच्चों को ये सिखाना है कि बेटा तुम पढ़ो सीखने के लिए, ना कि ग्रेड पहला ग्रेड में आने के लिए या फर्स्ट आने के लिए, क्योंकि दौड़, ये दुनिया में हर चीज जैसे होता है, दौड़ो दौड़ो, आपको सिर्फ फर्स्ट ही आना है, फर्स्ट के अलावा कुछ नहीं। लेकिन जो फर्स्ट के बाद जो बच्चे होते हैं, क्या वो लोग टैलेंटेड नहीं होते, क्या उनके पास स्किल्स नहीं होते? ऑब्वियसली होते हैं, हर बच्चा अपने में खास है। तो इसमें मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बताना चाहूंगी, आप
ये मूवी जरूर देखे होंगे, तारे जमीन पर और थ्री इडियट्स, ये मूवीज आप देखे ही होंगे। ऑब्वियसली इन सब में एक ही चीज बोला गया है कि भाई दौड़ में शामिल नहीं होते हैं जो बच्चे, डजंट मीन कि वो फेलियर्स हैं या उनके पास कोई स्किल नहीं है। आपका काम है एज ए पेरेंट कि बच्चे में कौन सा चीज सबसे अच्छा है, वो कौन से स्किल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, उसकी हॉबीज क्या है, उसकी इंटरेस्ट क्या है। आप लोगों को वही जानना जरूरत है कि आपका बच्चा जिसमें इंटरेस्ट ले रहा है आप उसको उस लाइन में और ज्यादा एनकरेज करें, सो दैट वो उस लाइन में अपना बेस्ट दे सके, ना कि किसी और से उसको कम्पीट करना है, क्योंकि आपका बच्चा अपने में ही बेस्ट है, वो एक ब्लेसिंग है, तो उसको अपने एबिलिटी के हिसाब से कम्पीट करने दीजिए। वो अपने आप के साथ कम्पीट कर रहा है, ना कि किसी और के साथ। तो इसी वजह से ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आपका बच्चा किस तरह से डेवलप कर रहा है और कौन कौन सा चीज सीख रहा है जिसको कि वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता है। वर्ल्ड ऑफ स्कूल सिलिकॉन वैली में एक स्कूल है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। इस स्कूल में कोई भी स्मार्ट गैजेट या फिर स्मार्ट लर्निंग नहीं होता। इस स्कूल में सिर्फ जो नेचुरल प्रोसेस होता है, जो नेचुरल चीजें होती है, ट्री प्लांट कैसे करना है, ट्री से हमें क्या मिल रहा है, ये सब प्रैक्टिकल करके बच्चों को सिखाया जाता है। और ये सिलिकॉन वैली के ये स्कूल के बारे में इतना पॉपुलर है, आप नेट में सर्च भी कर सकते हैं। इस स्कूल में बच्चों को देने के लिए पेरेंट्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि यहाँ पर बच्चे पढ़े, क्योंकि गैजेट्स दूर रहते हैं। मेरा एक और एपिसोड आने वाला है जिसमें कि टीवी, मोबाइल और फिर जितने भी स्क्रीन वाले गैजेट्स होते हैं, इन सबसे बच्चों को किस तरह से दूर किया जाए, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपका बच्चा टीवी या फिर मोबाइल, आईपैड या लैपटॉप, इन सब में चिपका हुआ रहता है पूरा टाइम, उसको स्क्रीन टाइम बोलते हैं। अगर आपका बच्चा स्क्रीन टाइम ज्यादा बिता रहा है जरूरत से, तो ये चीज आगे जाके उसको बहुत हार्म कर सकता है और स्ट्रेस डेवलपमेंट में भी बच्चों को बहुत हार्म कर सकता है। तो इसका एक और एपिसोड मैं करने वाली हूँ आने वाले टाइम पे। अगर आपका बच्चा टीवी या मोबाइल बिल्कुल नहीं छोड़ता और कंटिन्यूअस मैनर में दिन में जरूरत टाइम से ज्यादा अगर स्क्रीन टाइम ले रहा है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। मैं आने वाले कुछ दिनों में वो वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। आपको एक चीज जानना बहुत जरूरत है कि बच्चा जब छोटा होता है, एकदम छोटा भी होता है, 8-9 महीने का, 10 महीने के बाद बच्चे हर चीज अडॉप्ट करते हैं, जो अपने मम्मी से पापा से वो लोग देखते हैं, वो हर वो अडॉप्ट करते हैं। आप जिस तरह से खा रहे हैं, जिस तरह से हाथ मुंह में ले रहे हैं, वो सारा चीज बच्चे देखते हैं। इवन आप जो चीज सोच भी नहीं सकते बच्चे आपको देख रहे हैं, वो चीज भी बच्चे आपसे कॉपी कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली तो एजुकेशन का पहला स्टेप ये है पेरेंट्स के लिए कि आपको सिर्फ बच्चों को एडवाइस नहीं देना है, आपको एग्जाम्पल बनना है ताकि बच्चे आपको फॉलो कर सके। पहले के जनरेशन में ऐसा होता था कि हम लोगों के पास इतने सारे गैजेट्स नहीं होते थे, हम लोग अपने मम्मी पापा को ही आइडल मानते थे, अपने मम्मी पापा जो भी काम करते थे, जो भी हमें सिखाते थे, हमें वही चीज दिखता था और वही चीज हम फॉलो करते थे। तो आजकल का टाइम में ये नहीं है, पेरेंट्स भी बहुत डेवलप हो गए हैं, बहुत मॉडर्नाइज हो गए हैं, और जितने भी बच्चे हैं उन लोगों का जो स्किल्स है और जितने एडप्टिविटी मतलब कैपेबिलिटी जितना है बहुत बढ़ गया है। तो इसी वजह से बच्चों के साथ डील करने में माँ पापा को भी बहुत ज्यादा सेल्फ डेवलपमेंट का जरूरत है। ऑब्वियसली मैं अगर कर पा रही हूँ, मैं उतना ज्यादा एफिशिएंट हूँ कि मैं बच्चा पैदा होते ही सब चीज सीख ली, नहीं, मैं खुद को डेवलप कर रही हूँ। मैं भी सेल्फ लर्निंग का बहुत सारे कोर्सेज कर रही हूँ, जितना हो सकता है मैं खुद को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वजह से मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि अगर मैं बदल सकती हूँ, अगर मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकती हूँ एक हेल्दी पेरेंटिंग के लिए, तो आप क्यों नहीं। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो गया है, उसको एक प्रॉपर गाइडेंस के जरिए आप सही तरह से एक अच्छी परवरिश दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे को सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उसको एक अच्छी परवरिश के जरिए वो एक अच्छा इंसान बनेगा। और आप पकड़ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा अभी 5 या 6 साल का है, पकड़ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसके जनरेशन में जब वो 21 साल का या 22 साल का हो जाएगा, अगर आप उसको अच्छी तरह से अच्छा परवरिश देंगे, उसी जनरेशन में जो निकलेंगे, जो 21-22 साल के जो जितने बच्चे होंगे, उन सबका जनरेशन का थॉट प्रोसेस एक अच्छा बहुत एक अच्छा सोसाइटी बनाएंगे, जिसमें कि आज इतना सारा प्रॉब्लम्स हमें सोसाइटी में देखने मिल रहा है, इतने सारे क्रिमिनल इंसिडेंट्स आप लोगों को सुनने मिल रहे हैं, इस सब का हम कितना हद तक परसेंटेज घटा सकते हैं सही पेरेंटिंग के जरिए। तो ऑब्वियसली मेरा
यहाँ पे एक जेन्युइन कोशिश है कि हम अपने बच्चों को एक सही परवरिश दे सके, जिससे कि आगे चल के बच्चे एक अच्छा सोसाइटी का निर्माण कर सके। बच्चे का रिजल्ट निकलने वाला है, बच्चा अगर रिजल्ट लेके घर में आ भी रहा है, वो उतना कंफर्टेबल होना चाहिए कि वो आपको जाके आराम से रिजल्ट बता सके। उसको कोई डर नहीं लगे कि मैं मम्मा को अगर सेकेंड आया या टेंथ आया जो भी बताऊंगा तो मम्मा मेरे पे गुस्सा करेंगी, ये चीज़ बच्चे को फील नहीं होना चाहिए। और बच्चे को अगर लग रहा है वो कंफर्टेबल है तो ओपनली वो आपको बोलेगा कि हाँ मम्मा मैं ये आया हूँ। तो उस टाइम पे अगर आप डील करेंगे बच्चे के साथ कि अच्छा बेटा, आप अगर आज एग्जाम्स के दौरान किसी को हेल्प किए हो, कि या फिर आपका एग्जाम्स खत्म होने के बाद आज दिन भर में आप किसी को हेल्प किए हो, आज के दिन में आपके लिए कौन सा वाला अच्छा चीज था, कौन सा अच्छा काम आप किए हो, तो बच्चे के माइंड में ये रह जाएगा भाई मम्मा तो मुझे रिजल्ट के बारे में पूछ ही नहीं रही है, इवन घर में भी मुझे कोई रिजल्ट के बारे में नहीं पूछ रहे, सब पूछ रहे मैंने क्या सीखा, मैंने किसको हेल्प किया, मैंने कौन सा अच्छा काम किया। तो बच्चे का जो फोकस होता है ये एज रिजल्ट अच्छा लाना है, मुझे सिर्फ रटा रटा या ज्ञान से, इस सब से हट के उसका ध्यान रहेगा कि मैं क्या क्या अच्छा नया चीज़ें सीख सकता हूँ और मैं दिन भर में कितना ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि आजकल ये लर्निंग बच्चों के अंदर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं और कॉम्पिटिटिव होने की वजह से बहुत ज़्यादा सेल्फिश भी होते जा रहे हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे बच्चे, फॉर एग्जाम्पल मैं भी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये चीज़ बहुत एक्सपीरियंस की हूँ, बच्चे अपने खिलौने तक भी किसी और बच्चे के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। खिलौना तो दूर की बात है, नॉर्मल बच्चे अगर साइड में आपके घर में भी रह रहे हैं, कोई नेबर भी, उनके बच्चे के साथ भी जब वो घुलते मिलते हैं तब भी उन लोगों को मेरा खिलौना मेरा चीज़, ये तेरा खिलौना है ये तेरा चीज़, ये जो मेंटेलिटी एक बच्चों में डेवलप कर जाता है तो उससे उनका सेल्फिशनेस बहुत बढ़ जाता है और बच्चे सोशल लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते, ना ही वो किसी पे ट्रस्ट कर जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे जब बड़े होते हैं तब भी उनका बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी रह जाता है और उन लोगों को यही लगने लगता है कि मुझे ही फर्स्ट आना है और बाकी सब भाड़ में जाए, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो मेंटेलिटी रहता है आगे चल के उनका सेल्फिशनेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, जिसके चलते कि बच्चे अपने पेरेंट्स को तक भी नहीं पूछते, उन लोगों को यही लगता है कि मैं ही अपने आप को ही देखूंगा, मैं क्यों किसी और के लिए कुछ करूंगा। तो समहाउ इसके लिए जिम्मेदार भी हम खुद ही हैं, एज ए पेरेंट्स हमें शुरू से ही बच्चों को ये सिखाना है, बेटा आपको हेल्प करना है, आपको सिखाना है, खुद सीखना है और आपको सिखाना भी है। आप बच्चों के साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे, बच्चे दिन भर में क्या क्या अच्छा काम किए हैं वो आपसे शेयर करेंगे। अगर बच्चा आपसे शेयर कर रहा है वो दिन भर में क्या क्या किया है, तो आप थोड़ा सा ही टाइम निकाल के एक फिक्स टाइम आप रखिए, दिन भर में जब बेड टाइम होता है, आप स्टोरी सुनाने के बहाने से हुए या डिनर के टाइम पे हुआ, ऐसे कुछ कुछ टाइम आप रखिए जहाँ पर कि आपको गैजेट फ्री डिनर या फिर गैजेट फ्री स्लीप आवर्स आप मेंटेन करें, जिसमें कि एक रूल्स आप सेट करें कि इस टाइम पे किसी को भी गैजेट्स मना है, कोई और कुछ काम नहीं करेगा, सिर्फ बच्चे के साथ आप टाइम स्पेंड करिए एज ए पेरेंट्स। उससे क्या होगा कि बच्चा का आपके साथ जो बॉन्डिंग है, जो इमोशनल बॉन्डिंग है, वो बहुत स्ट्रांग होगा और बच्चा आपसे हर चीज़ शेयर करेगा। तब आप उसको सही तरह से परवरिश कर सकते हैं और सही ज्ञान दे सकते हैं। उसको कभी भी कॉम्पिटिटिव मत बनाइए, उसको एज ए गुड लर्नर हर चीज़ सीख के सिखाने का एटीट्यूड रखने बोलिए, सो दैट वो हर चीज़ सीखने में दिक्कत, क्योंकि बच्चा जब सिखाने का सोचेगा वो जो चीज़ सीखेगा अगर आके आपको बोलेगा, भले ही आपको पता हो वो चीज़, लेकिन आप अगर इस तरह से इंटरेस्ट लेकर सुनेंगे तो वो क्या सोचेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखना है क्योंकि मुझे जाके मम्मा को बताना है, तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट के साथ सीखेगा, ना कि वो रट्टेगा कि हाँ मुझे ग्रेड्स अच्छे लाने, अगर ग्रेड नहीं अच्छा लाया तो मम्मा मुझे डांटेगी। तो ऑब्वियसली ये मेंटेलिटी जो बिलीफ होता है ये चेंज करने की ज़रूरत है बच्चों में। बच्चा आपको डरना नहीं चाहिए, या फिर बच्चा डर डर के आपसे अगर दूर भागता रहेगा तो वो आपसे कुछ नहीं सीखेगा, ना ही वो आपको फॉलो करेगा। तो बच्चे के आप आइडल बनिए, बच्चे को एडवाइस मत करिए, पहले खुद को चेंज करिए। आप खुद को जब चेंज करेंगे तो बच्चा आपको आइडल मानेगा, आपको रिस्पेक्ट करेगा, आपका हर बात वो मानेगा। तो बच्चे को लर्निंग का ये पहला स्टेप है, आप खुद को बदलने का कोशिश करिए।
आज के एपिसोड में हम लोगों ने सीखा कि बच्चों का जो कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी होता है उनको धीरे धीरे सेल्फिश करता रहता है, इन सबको हमें चेंज करना जरूरत है, उनको किस तरह से हम सही डायरेक्शन में सही ज्ञान देके एक हेल्पफुल पर्सन, एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। तो उसके बारे में आज के एपिसोड में हम लोगों ने जो भी सीखा, मैंने आप लोगों को जो भी बताया, वो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, आप कितना दूर तक मेरे बात पे एग्री करते हैं प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मेरे अगर मेरे एपिसोड्स आप लोग को पसंद आ रहे हैं तो साइड में जो लाइक बटन है उसको हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, उसके साइड में सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी हिट करिए। उससे क्या होगा कि मेरे जो भी लेटेस्ट अपलोड्स होंगे पेरेंटिंग के टॉपिक्स के ऊपर या फिर दूसरे टॉपिक्स के ऊपर, उन सबकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो आज के एपिसोड के रिगार्डिंग कुछ भी सजेशन है या फिर मेरे बात को रिगार्डिंग आप कितना सपोर्ट करते हैं, कितना एग्री करते हैं, आपके सजेशन सारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं, सो दैट मुझे पता चल पाएगा कि मैं कितना हद तक अपने आप को चेंज करने का कोशिश कर रही हूँ और कितना मैं कर सकती हूँ। तो इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आज के एपिसोड के एंड में एक किडोकेज क्वेश्चन है तो उसको मिस मत करिए। हियर इज लकी साइनिंग ऑफ।